हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता विश्नोई और ये थर्मोडायनेमिक का फोर्थ लेक्चर है, पीवी इंडिकेटर डायग्राम। तो ये लेक्चर थ्री का ही कंटिन्यूशन में लेक्चर है। तो थ्री लेक्चर में हमने पीवी इंडिकेटर डायग्राम स्टार्ट कर दिया था और हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था गैस का आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वर्क डन बाय द गैस यूजिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना है बाय द गैस कैलकुलेट करना है या ऑन द सिस्टम कैलकुलेट करना है। बाय द गैस मतलब एक्सपेंट का हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ऑन द सिस्टम पे हम मतलब कंप्रेस का वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आइसोथर्मल का एक बार एक्सप्रेशन और देख लेते हैं, लास्ट टाइम हमारा आया था स्पिन मैरिकल्स भी, फिर बाद में हम करेंगे। तो W इक्वल टू एक आ रहा था 2.3026 RT log base 10 V2 upon EV1 और P की टर्म्स में आ रहा था W इक्वल टू 2.3026 RT log base 10 P1 upon P2। तो V1 और P2, P में जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आइसोथर्मल के लिए, बॉयल्स लॉ भी करता है, तो दोनों रिवर्स आते हैं। यहाँ पे V2 upon V1 आता है, यहाँ P1 upon P2 आता है। तो ये याद रखने वाली बात है। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन ऑन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस हीट डज नॉट गोज आउट और कम्स इन द सिस्टम। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ना तो हीट बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, चाहे हम एक्सपेंड करा रहे हैं चाहे हम कंप्रेस कर रहे हैं गैस को। सो एडियाबेटिक प्रोसेस मींस द प्रोसेस इन व्हिच हीट इज नाइदर अलाउड टू एंटर और नॉट लीव द सिस्टम। Thus, it is the process which take place in complete isothermal isolation from surrounding. Let 1 gram of mole of perfect gas be allowed to expand adiabatically from initial volume V1 to final volume V2. The pressure changing from P1 to P2, PV indicator diagram. Then work done is V1 to V2, PV, G. और सेम वही है कि हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में पिस्टन लिया रूम टेम्परेचर पे और अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। आल्सो सिलेंडर एंड पिस्टन आर परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल। अब हम कंडक्टिंग नहीं लेंगे, कैसा लेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल लेंगे सिलेंडर और पिस्टन दोनों। तो इफ द पिस्टन इज पुश डाउन टू कंप्रेस द गैस, हमने क्या किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम किया, वर्क डन हमने क्या किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस किया। तो क्या होगा, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस। जब वर्क डन ऑन द गैस करेंगे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ सिंस हीट डेवलप कैन नॉट बी पॉसिबल एस्केप आउट द सराउंडिंग, क्योंकि हमने आइसोलेटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल लिया है तो सराउंडिंग में पास नहीं हो सकती हीट। ऐसे ही अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड के केस में क्या होगा, हमने पिस्टन को अप करना स्टार्ट किया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम की जगह वर्क डन बाय द गैस होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। लेकिन बाहर से कोई हीट अंदर गैस में पास नहीं होगी, टेम्परेचर डिक्रीज ही होगा। तो इसके लिए अगर हम एक बार डायग्राम बना देते हैं, इसके लिए एक बार डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके का डायग्राम आएगा, ठीक है। तो सेम एक्सपेंड का ही केस ले रहे हैं, क्या करेंगे, एक्सपेंड का ही केस बना रहे हैं। ये बी पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम V2 है, प्रेशर P2 है। हमने यहाँ पे सेम एक शेडेड एरिया बनाया जहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है, ये इसका प्रेशर वाला डायरेक्शन है और ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये शेडेड एरिया है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV, सेम वही है ना, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। सिंस परफेक्ट गैस के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, PV गामा इक्वल टू K कांस्टेंट,
ना, तो पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो पी की वैल्यू हो जाएगी के अपॉन वी अपॉन वी टू पावर गामा। तो पी की जगह हम के अपॉन वी टू पावर गामा रख सकते हैं इक्वेशन वन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन वन, तो डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू के अपॉन वी टू पावर गामा डी वी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे वन अपॉन वी टू पावर गामा, और इसका इंटीग्रेशन आएगा W इक्वल टू के वी टू पावर वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा, और पावर रखेंगे लिमिट्स रखेंगे वी वन से वी टू। तो वन अपॉन गामा बाहर आ जाएगा और जो है वन माइनस गामा बाहर आएगा, फिर यहाँ पे वी टू माइनस वी वन करेंगे और गामा अगर माइनस में ले लेंगे तो फिर ये सफिक्स में चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं के गामा माइनस वन वन अपॉन वी वन गामा माइनस वन माइनस वन अपॉन वी टू गामा माइनस वन। हो सकता है इस एक्सप्रेशन में कुछ थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रहा हो, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो डब्लू के वन माइनस गामा ही रखा मैंने, ठीक है। अब हमने पावर रखी वी वन माइनस गामा वी टू माइनस वी वन वन माइनस गामा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको लिखा के मैंने माइनस अंदर ले गई, तो ये हो गया गामा माइनस वन वी वन वन माइनस गामा माइनस वी टू वन माइनस गामा। अब अगर मैं इसको गामा माइनस वन वन अपॉन वी टू वन टू पावर माइनस वन माइनस गामा माइनस वन अपॉन वी टू माइनस वन माइनस गामा भी लिख सकती हूँ, और ये माइनस जब आप अंदर ले जाएंगे इक्वल टू के गामा माइनस वन वन अपॉन वी वन गामा माइनस वन माइनस वन वन अपॉन वी टू गामा माइनस वन। देखिए यही एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, ये डायरेक्ट लिख दिया है ना, इतनी कैलकुलेशन नहीं की है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं ना। मैं फिलहाल इसको क्लीन कर देती हूँ, मैंने आपको करके भी दिखा दिया है कि किस तरीके से आया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा W इक्वल टू के गामा माइनस वन वन अपॉन वी वन गामा माइनस वन माइनस वी वन अपॉन वी टू गामा माइनस वन। तो मैंने आपको अभी साइड में छोटा सा करके दिखा दिया है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे आया। ऑल्सो इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन वी हैव वी पी वन वी वन गामा वी टू पावर गामा इक्वल टू के पी टू वी टू गामा पावर गामा। तो हम यहाँ से वी वन और वी टू की वैल्यू रख सकते हैं, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे कॉन्स्टेंट के की जगह, कॉन्स्टेंट के की जगह हम इसको अंदर लेके जाएंगे। तो हमने क्या किया, के को अंदर ले गए मल्टीप्लाई में, इस के की जगह हमने पी वन पी वन गामा पावर गामा पी टू टू पावर गामा। तो जहां वी वन है वहां पे वी वन वाला टर्म रख दिया, जहां वी टू है वहां वी टू वाला टर्म रख दिया। सॉल्व करेंगे इसे तो वन अपॉन गामा माइनस वन पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू। जब ये ऊपर जाएगा तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, सब वी की पावर वन बचेगा ऐसे यहाँ पे। तो ये हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया एडियाबेटिक प्रोसेस में। इट कैन बी शोन दैट वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम वी वन एट प्रेशर पी वन टू वॉल्यूम वी टू एट प्रेशर पी टू इज गिवन द एरिया अंडर पी वी कर्व, दैट इज गिवन बाय W इक्वल टू वी वन वी टू पी डी वी इक्वल टू वन अपॉन गामा माइनस वन पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन आ गया। तो आइसोथर्मल में लॉग आता है और एडियाबेटिक में लॉग नहीं आता है, एरिया अंडर द कर्व ए बी।
तो इस एक्सप्रेशन को हम चेंज करना चाह रहे हैं अब ये पावर प्रेशर की और वॉल्यूम की. तो अगेन पी वन वी वन टू पावर गामा इक्वल टू पी टू वी टू टू पावर गामा इक्वल टू के. और यहाँ से वी वन इक्वल टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं के अपॉन पी वन टू पावर वन अपॉन गामा, वी टू के अपॉन पी टू टू पावर वन अपॉन गामा. तो क्या करेंगे, जो अभी हमने v1 की और v2 की वैल्यू निकाली, ये इक्वेशन 3 के अंदर हम v1 और v2 की वैल्यू रखेंगे. तो w इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 p1 k अपॉन p1 टू पावर 1 अपॉन गामा माइनस p2 k अपॉन p2 की पावर 1 अपॉन गामा. यहाँ से k कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा. तो w इक्वल टू k टू पावर 1 अपॉन गामा गामा माइनस 1 p1 टू पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो जाएगा गामा माइनस वन अपॉन गामा माइनस पी टू गामा माइनस वन अपॉन गामा. तो यहाँ से आपके पास एक एक्सप्रेशन और आ गया वर्क डन का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. अब हम सेम ऐसा एक्सप्रेशन हम टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कहा, क्योंकि एडियाबेटिक जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर भी चेंज होता है. तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो गैस का टेम्परेचर T1 से T2 होता है. तो वी हैव P1 V1 इक्वल टू आर T1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू आर T2. तो इक्वेशन 3 में ही इसकी वैल्यूज पुट करेंगे P1 V1 और P2 V2 की. तो ये हो जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2. तो वर्क डन का एक एक्सप्रेशन ये आ गया. तो आपके पास प्रेशर की टर्म्स में भी है, टेम्परेचर की टर्म्स में भी वर्क डन का एक्सप्रेशन है इन एडियाबेटिक प्रोसेस. सिंस इन एडियाबेटिक प्रोसेस हीट is not allowed to enter or leave the system, the external energy work done is done by the gas at the expense of its own internal energy. So work done by the gas during adiabatic process is equal to decrease in internal energy of the gas. तो अगर work done by the gas कर रहे हैं, by the gas का मतलब expansion हो रहा है, तो उस केस में उसकी internal energy decrease होगी. ये मैंने आपको बताया भी था. और decrease होगी internal energy तो temperature भी decrease होगा. यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं. और आज हमने adiabatic process के लिए work done calculate करना expression निकाल लिया है, temperature की terms में भी, pressure की terms में भी. और अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे. तो देखते रहिए चैनल. हैव अ गुड डे. यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं. और आज हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना एक्सप्रेशन निकाल लिया है, टेम्परेचर की टर्म्स में भी, प्रेशर की टर्म्स में भी. और अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे. तो देखते रहिए चैनल. हैव अ गुड डे.